बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम एमएस एक्सेल में सीखेंगे किसी भी डेटा को कन्वर्ट करना है टेबल में। तो जैसे हम टेबल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या क्या बेनिफिट्स है, तो इस वीडियो में आप देखेंगे इस वक्त। चलो कि यहाँ पर हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर ये डेटाबेस आप देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए इस डेटा को आपको कन्वर्ट करना है टेबल में, तो कैसे करेंगे ये देखिए आप। तो जब भी आपको डेटा को कन्वर्ट करना है टेबल में तो आप क्या करेंगे उस वक्त, यहाँ पर आप डेटा देखते हैं, ये देखिए आप यहाँ पर आप डेटा देखते हैं, ठीक है। तो जिस डेटा को आपको कन्वर्ट करना है टेबल में तो उसके बाद क्या क्या बेनिफिट्स है ये भी आप देखेंगे। तो सबसे पहले डेटा को सेलेक्ट करो। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, कंट्रोल प्लस टी करना है। कंट्रोल प्लस टी करने के बाद ये इंटरफेस आएगा, यहाँ पर आपको ओके पर क्लिक करना है। तो आप ये डेटा कन्वर्ट हो गया किसमें, टेबल में, ये देखिए आप, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको बेसिक पे प्लस टी करना है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपको क्लिक करना है, उसके बाद ऑल्ट प्लस इक्वल टू करना है, ठीक है। उसके बाद प्रेस एंटर की करना है, ओके, ये देखिए आप यहाँ पर आप देखिए, ठीक है। जब मैंने यहाँ पर ऑल्ट प्लस इक्वल टू किया है सबों का यहाँ पर टोटल आया, इसका टोटल इसके साथ, इसका टोटल इसके साथ, ये देखिए आप। तो उसके बाद अगर आपको कोई भी एंट्री यहाँ पर करेंगे, जैसे कि यहाँ पर मैं नई एंट्री करूँगा, थोड़ा बहुत यहाँ पर मैं थोड़ा बहुत क्या करूँगा, यहाँ पर मैं बॉर्डर्स क्रिएट करूँगा, यहाँ पर आप देखती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 15, 16 ऐसे कि 17 ऐसे कि, कंट्रोल प्लस जेड करूँगा मैं वापस, यहाँ पर मैं सीरियल नंबर इंसर्ट करूँगा। चलो कि यहाँ पर आए सीरियल नंबर। अब यहाँ पर एक और पर्सन है जैसे कि डीडी, ठीक है, पर्सन, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मिलता है, चलो कि बेसिक पे इसका है 8000, सॉरी यहाँ पर हमें इसका बेसिक पे है 8000, ये देखिए आप। तो यहाँ पर इसका टी, यहाँ पर टी मिलता है 450, ये देखिए आप, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा तो आप देखिए, तो यहाँ जो ही मैंने क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर ऑटोमेटिकली सम आ गया, ये देखिए आप, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत मैं इसका फॉन्ट साइज इनक्रीज करूँगा, तो चलो कि यहाँ पर यही फॉन्ट लूँगा, ठीक है, ये देखिए आप। तो अगर दूसरे तीसरी एंट्री में चलो कि यहाँ पर पर्सन, अनदर पर्सन, ठीक है, यहाँ पर मैं लिखूँगा ई, ठीक है, लेट इज अ पर्सन, ठीक है। इसका जो बेसिक पे है 9000, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो टी मिलता है 800, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आप देखते हैं, ठीक है, ये देखिए आप, सेंटर में लाऊंगा इसको, ठीक है। तो टेबल में डेटा को कन्वर्ट करने के फायदे आपने देखे हैं, बेनिफिट्स आपने देखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जब भी हम किसी एक नंबर का यहाँ पर मैंने टोटल किया तो ऑटोमेटिकली सबों का टोटल यहाँ पर आया, और नई एंट्री आप करेंगे, ठीक है, ऑटोमेटिकली यहाँ पर टोटल आएगा, ठीक है। तो उसके बाद अगर आप यहाँ पर इस बटन पर आप क्लिक करेंगे, ठीक है, यहाँ पर अगर किसी भी पर्सन का आपको देखना है, जैसे कि सिलेक्ट ऑल को यहाँ पर आपको ख़त्म करना है, जैसे कि आपको 3 और 4 का देखना है, यहाँ पर 3 और 4 का डेटा आपको देखना है पर्सन का, ठीक है, जिसका सीरियल नंबर 3 और 4 है, ठीक है। उसके बाद ओके पर आपको क्लिक करना है, ये देखिए 3 और 4, ठीक है। तो उसके बाद अगर वापस आपको क्लिक करना है, ठीक है, सिलेक्ट ऑल करना है, ठीक है, तो सबों का डेटा यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो इस डेटा में जिस भी पर्सन का आपको डेटा देखना है तो वहाँ पर आप देखेंगे, कैसे देखेंगे, यहाँ पर आपको क्लिक करना है, बाय नेम भी आप करेंगे यहाँ पर आप, ठीक, ये देखिए आप यहाँ पर बाय नेम, ठीक है, जैसे कि W6 का डेटा, सॉरी यहाँ पर सेलेक्ट ऑल को मैं ख़त्म करूँगा, ठीक है, W4 का और W7 का इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, ठीक है, ये पर्सन है, ठीक है, लेट, उसके बाद ओके पर आपको क्लिक करना है, ठीक है, ये देखिए आप। ये थे बेनिफिट्स जब हम किसी भी डेटा को कन्वर्ट करते हैं एमएस एक्सेल में टेबल में। तो शॉर्टकट कंट्रोल प्लस टी करना है, तो पहले उस डेटा बेस को सेलेक्ट करना है, उसके बाद कंट्रोल प्लस टी करना, उसके बाद ओके पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो। आज के वीडियो में आपने देखा किसी भी डेटा को टेबल में कन्वर्ट करने के बाद क्या क्या बेनिफिट्स आपने देखे हैं, तो वो आपने देखे हैं, ठीक है। तो अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, शब खैर, खुदा हाफिज़, ठीक है, ओके, अस्सलाम वालेकुम।